नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 16 अगस्त 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है। 15 अगस्त 2022 से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू और कश्मीर, सी ऑप्शन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। 15 अगस्त 2022 से जम्मू और कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया, और हरियाणा की सरकार ने ही परिवार पहचान पत्र योजना इसको स्टार्ट किया। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है, और भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया है। अब बात जम्मू कश्मीर की हुई है तो इसका जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने अगस्त 2021 में कुपवाड़ा में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कारखंडर योजना का अनावरण किया। जम्मू और कश्मीर के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करने के लिए सुकून का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम कार्यक्रम शुरू किया। जम्मू और कश्मीर में एक ग्राम पंचायत एक डिजी पेशकी मिशन की शुरुआत की गई। कलिच फीसेंट को जम्मू और कश्मीर का पक्षी घोषित किया गया। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में जेरी बस्ती को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया। जम्मू और कश्मीर में सूफी महोत्सव मनाया गया। जम्मू और कश्मीर में अमित शाह जी ने 7 जुलाई 2022 को स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। जम्मू और कश्मीर की सरकार ने परवाज योजना शुरू की है। एक काम करते हैं, जम्मू कश्मीर का और करंट अफेयर कवर करते हैं। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। जम्मू और कश्मीर ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया। मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल की शुरुआत की है। जम्मू और कश्मीर ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन युद्ध नामक एक विशेष पहल की स्थापना की। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक साइक्लोथोन पैडल फॉर डल को हरी झंडी दिखाई। अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन देखिए आप, यह है लोकेशन। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इनके साथ बाउंड्री शेयर होती है, और पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। दो कैपिटल है, श्रीनगर समर कैपिटल है, जम्मू विंटर कैपिटल है। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है। नेशनल पार्क की बात करें, डाचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क। ये डाचीगम नेशनल पार्क काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों एक साथ यूटी बनाए गए थे 31 अक्टूबर 2019 को। दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है, जिसका नाम अभी चेंज कर दिया गया था, हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल, तो इनका नाम आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं उड़ीसा ने, डी ऑप्शन। उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गोवा की बात करते हैं। गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको स्टार्ट किया। आसाम की सरकार ने मोइत्री योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की हुई है, तो ये देखिए आप, ये है उड़ीसा का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ये उड़ीसा का और करंट अफेयर है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब लोकेशन, और ये इसके बारे में दी गई जानकारी है, तो ये आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है। थर्ड क्वेश्चन, अगस्त 2022 में किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई, जिसके बीच चाइना से लाए गए हैं। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों हिल्स मेघालय में हैं। गुजरात में जो कच्छ जिला है, यहाँ पर कुनरिया गांव में पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया है। तो
डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। अगस्त 2022 में भारत और किस देश की सेना के बीच अल नजा अभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ? तो ओमान इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डी ऑप्शन। ओमान की कैपिटल मस्कट है, करेंसी है ओमानी रियाल। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, प्रधानमंत्री है एंथोनी एल्बनीज। पपुआ न्यू गिनी कैपिटल है पोर्ट मोरिस्बी, करेंसी है कीना। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। डी ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। 2022 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबरेंस डे कब मनाया गया? तो ये हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है, बी ऑप्शन 14 अगस्त। फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जुलाई और अगस्त के जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। भारत किस वर्ष से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति करना शुरू कर देगा? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2023। सिक्स्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन 2023 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगस्त 2022 में किसने भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किया? तो जितेंद्र सिंह, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डी ऑप्शन। सेवंथ क्वेश्चन का सही आंसर है। एट्थ क्वेश्चन स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कुल कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 1082, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बी ऑप्शन। एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा कोलकाता, सी ऑप्शन जो है ये नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, कोलकाता। ये कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? शशि थरूर सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सही आंसर है। एक नए जूनोटिक वायरस लेंगे ने 35 लोगों को किस देश में संक्रमित किया? चाइना सही आंसर है। 2022 में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को। भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति आयोजित किया जा रहा है? मलेशिया सही आंसर है। भगत सिंह कोश्यारी ने किस शहर में 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया? तो मुंबई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तारों को लागू किया है? अगस्त 2022 में लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई कौन बनी? किस राज्य ने अपने 5वें हाथी अभयारण्य की घोषणा की? भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने जलवायु परिवर्तन पर किस देश की सरकार और UNDP के साथ भागीदारी की है? अगस्त 2022 में अगे वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? छठा क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत किस स्थान पर है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।